नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझा डर्टी प्रॉब्लम क्या होती है, तो चलिए एक और सिनेरियो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड। जी हाँ, अनरिपीटेबल रीड। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करता हूँ अनरिपीटेबल रीड की। अब यहाँ भी देखिए कहानी नाम में छुपी है, अनरिपीटेबल रीड यानी कि वो रीड जिसको हम रिपीट ना कर पाए। अनरिपीटेबल रीड, वो रीड जिसको रिपीट नहीं कर पाए उसको बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड। तो दोस्तों, यहाँ भी एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं पहले, बिकॉज कहानी याद करना आसान है, उसके बाद आप दोबारा इस तरह के सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कहानी देखिए थोड़ी मसालेदार है। कहानी क्या है, मान लीजिए कि एक छोटा सा, ज़्यादा छोटा नहीं, एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 10 ईयर्स का, है ना। हम भी, आप और मैं भी कभी 10 ईयर्स के रहे थे। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो कुछ समय के लिए बाहर गए। तो जब ऐसा होता है कि आप घर में अकेले हो और ज़्यादा बड़े नहीं, 10-12 साल तक के, तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है, बिकॉज एक तरह की इंडिपेंडेंस, आज़ादी आप महसूस करते हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बच्चे को पता भी था कि घर में वो अकेला है, है ना। तो बच्चा क्या सोचता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ शैतानी तो करेगा। वो सोचता है चलिए क्यों ना मैगी बना के खाता हूँ, है ना। बच्चा किचन में जाता है और मैगी के जो भी प्रोसीजर है, मैगी को पैन में रखा, पानी और जो उसका मसाला सब कुछ उसने सेटअप किया और पैन को ऊपर से कवर किया किसी प्लेट से, और आके वो रूम के अंदर बैठ गया और कार्टून देखने लगा। अब मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि मैगी बनने में कितना टाइम लगता है। तो कंपनी तो बोलती है 2 मिनट, बट मान लीजिए 4-5 मिनट। 4-5 मिनट के बाद बच्चा दोबारा जाता है किचन के अंदर, बट इस बार उसे कुछ अजीब लगता है। हवा चलने लगती है, पेड़ हिल रहे हैं, गेट चर्र से खुलता है, जैसे हॉरर मूवी आप देखते हैं ना, बस वैसा ही सिनेरियो था। बच्चा जाता है और पैन ढका हुआ था, वो हाथ में कोई क्लोथ लेता और उसको पकड़ के जैसे ही प्लेट को हटाता है, बताइए पैन के अंदर क्या था। पैन के अंदर था राजमा चावल। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो क्या रख के गया था उसके अंदर, मैगी, लेकिन अब उसके अंदर क्या है, राजमा चावल। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा उस राजमा चावल को उठा के फेंकने लगता है, तभी पंखे के ऊपर कोई बैठा होता है और ऊपर से आवाज आती है, नहीं रहने दो मुझे पसंद है। कहानी यही ख़त्म। तो कहानी थोड़ी फनी थी, बट अब आप एक बात समझिएगा, उस बच्चे को क्या पता था कि घर में उसके अलावा और कौन है। उसको पता था कि घर में सिर्फ वो ही है, है ना। जैसे हमारे ट्रांजैक्शन को पता होता है कि सिस्टम में सिर्फ वो ही है, बट सच्चाई क्या है कि सिस्टम में और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि और कोई नहीं है, बिकॉज उनके काम से हमारे काम पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो सेम उस बच्चे के साथ हुआ, उस बच्चे को पता था कि घर में और कोई नहीं है, बट क्या घर में और कोई था, शायद घर में कोई भूत था, है ना, हाउ जिसको बोलते हैं, कोई हाउ था। बट अब जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, कोई मोबाइल पे देख रहा होगा, कोई लैपटॉप पे, तो आपको लग रहा है कि आप जिस कमरे में जहाँ पर बैठे हैं आप अकेले ही हैं, बट क्या पता बाथरूम में कोई हो, क्या पता आपके बेड के नीचे कोई हो। मजाक कर रहा हूँ, बट देखिएगा अब यही सिनेरियो देखिए यहाँ पर है। दो ट्रांजेक्शन है, T1 और T2, और पहला ट्रांजेक्शन किसी वेरिएबल x पे कोई वैल्यू रीड कर रहा है ना। तो मान लीजिए मैं कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ, x की वैल्यू अगेन मान लेते हैं कि डेटाबेस में जो है वो क्या लिखा हुआ है, 10, है ना, और उसने रीड किया। अब जैसे उसने रीड किया, मान लीजिए वैल्यू लोकल बफर में भी आ गई और x की वैल्यू फिलहाल हमारे पास क्या है, 10, तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद ट्रांजेक्शन T2 भी जो है वो x पे रीड करना चाहता है, तो ऑफकोर्स हम अलाउ करेंगे, और यहाँ पर उसने भी x पे क्या रीड किया, 10। उसके थोड़ी देर के बाद ट्रांजेक्शन T1 अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, यानी वो x की वैल्यू को चेंज करेगा, मान लीजिए अलाउ कर देते हैं, और करना भी चाहिए। तो अब उसने मान लीजिए +1 उसको करना था, x = x+1, तो उसने इस वैल्यू को 10 से 11 कर दिया। अब दोबारा समझिएगा, ये जो 11 है डेटाबेस में हुआ है कि लोकल बफर में, लोकल बफर में, तो वैल्यू जो है 10 से हो गई 11। अब थोड़ी टाइम के बाद, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसको हम राइट नहीं मानते, मानते हैं कि ये भी रीड है, बिकॉज हमको रीड रिपीट करके देखना है ना। उसके थोड़ी देर के बाद T2 दोबारा रीड ऑपरेशन रिपीट करना चाहता है, हो सकता है कोई प्रोसेसिंग कर रहा हो जिसमें मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना हो। बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब तक वैल्यू लोकल बफर में है मैं लोकल बफर से रीड करूंगा, और जब मैं जाके अब लोकल बफर से रीड करता हूँ, वैल्यू ऑफ 10 नहीं दोस्तों, वैल्यू देखिए चेंज हो गई, क्या हो गई है, 11। कंटिन्यूएशन तो आगे हो सकता है, पता नहीं ये दोनों क्या क्या ऑपरेशन और करेंगे, बट यहीं पर दोस्तों T2 जो है वो कंफ्यूज हो गया, बिकॉज अब समझिएगा T2 ने एक वेरिएबल की वैल्यू देखिए क्या रीड की है, 10।
पांच मिनट के बाद वो अपना रीड ऑपरेशन रिपीट कर रहा है, दोबारा वेरिएबल को रीड कर रहा है, इस बार वैल्यू क्या है 11, जबकि उस बच्चे की तरह टी टू को भी क्या बताया गया है, इट इज द ओनली वन एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम या देयर इज एन आइसोलेशन। तो मैं जो करना चाहूंगा वही होगा, जब मैं ही अकेला सिस्टम में हूं और वैल्यू क्या है 10, तो अब ये वैल्यू 11 कैसे हो गई, वैल्यू 11 कैसे हो गई, क्योंकि बीच में भैया किसी T1 ने आके जो है उसको चेंज करके 10 से क्या कर दिया 11। तो जिस आइसोलेशन की हम गारंटी दे रहे थे कि किसी की वजह से किसी दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखिए फर्क पड़ रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या है, अनरिपीटेबल रीड, जब आप एक ही वैल्यू को बार बार दोबारा सेम वैल्यू पर रीड नहीं कर सकें क्योंकि किसी दूसरे ट्रांजैक्शन ने आके उसको चेंज कर दिया है। तो दोस्तों इस सिनेरियो को बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड, और T2 जो है वो पक्का इनकंसिस्टेंसी मान लेगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको समझ आएगा। कंक्लूड कर रहा हूं दोबारा बात, व्हाट इज अनरिपीटेबल रीड, जब एक वैल्यू को हम दो बार रीड करें, दोनों बार वैल्यू अलग अलग आए, इसको अनरिपीटेबल रीड कहते हैं। सिनेरियो कैसे रन हुआ है, सबसे पहले T1 ने रीड किया 10, T2 ने भी रीड किया 10, फिर T1 ने चेंज करके कर दिया उसको 11। जब T2 दोबारा रीड करेगा तो लोकल बफर से जाहिर सी बात है क्या ही रीड करने वाला है, 11 वैल्यू हो गई है चेंज और T2 हो गया है कन्फ्यूज। तो मेरे ख्याल से कहानी के थ्रू प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट है अनरिपीटेबल रीड का, लेकिन कई बार ये हमारे काम आता है, नाम टर्म्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, बहुत जल्दी हाजिर हो जाओ अगली वीडियो के साथ और कुछ और प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।